बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई। इंग्लैंड टीम ने आज 14 ओवर में 170 रन के टारगेट को आसानी से चेस कर लिया। इसके अलावा साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर भी बरस पड़े और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जब तक 4 से 5 खिलाड़ी कौमी टीम से नहीं निकलेंगे जो कचरा बने हुए इस वक्त टीम में, तब तक टीम नहीं सुधरेगी। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, यह इंटरव्यू आपको फुल वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान जो ये मैच हारा, बॉलिंग की वजह से हारा, बैटिंग की वजह से हारा, मिडिल ऑर्डर की वजह से खास तौर पर हारा, किस वजह से हारा, आपने कमेंट लाजमी करना है। अगर आपके साथ सबसे पहले हाईलाइट शेयर करें तो यहाँ पर जो बात करें इफ्तिखार अहमद की, तो इफ्तिखार अहमद ने 31 रन, नवाज़ ने जो है वो इतना अच्छी बैटिंग नहीं की। हैदर अली की बात करें तो उन्होंने भी 20-25 रन बनाए। इसके अलावा अगर बात करें आसिफ अली की तो उन्होंने तकरीबन 8 से 9 रन बनाए, जबकि बाबर आजम की बात करें तो शानदार बैटिंग की। असल वजह मैच हारने की बॉलिंग थी। वो साबिक शुएब अख्तर ने भी कहा कि जब तक टीम से कचरा बॉलर्स को नहीं निकालेंगे, बैट्समैन को नहीं निकालेंगे, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते।